Hello students, in the last lecture we discussed the concept of hybridization. Now today we are going to study a new topic. This is called resonance. Now what is resonance? इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल जो है इसको स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल है ओजोन मॉलिक्यूल. अच्छा, ओजोन इज अ गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन. And this gas is present in stratosphere. तो अगर इस गैस का स्ट्रक्चर जो है उसको देखा जाए तो इसमें तीन ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में ये बोला गया कि ये तीन ऑक्सीजन के एटम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं. Now, according to this structure, ये दो ऑक्सीजन के एटम चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा. ये दो ऑक्सीजन के एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा. तो ये एक पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर हो गया ओजोन मॉलिक्यूल का. एक और पॉसिबिलिटी है इस मॉलिक्यूल को बनाने की. वो पॉसिबिलिटी क्या है? ये चार इलेक्ट्रॉन आप इधर ड्रॉ कर दीजिए. तो अगर हम इधर ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है ये भी बन जाएगा. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो ओजोन का मॉलिक्यूल अब कुछ ऐसा बनेगा. सभी ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट और अब डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड में राइट साइड में हमें बनाना पड़ेगा. तो ये सेकंड पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया ओजोन के मॉलिक्यूल का. सो दीज आर द टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है 121 पिकोमीटर. और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है उसकी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है 148 पिकोमीटर. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड 121 पिकोमीटर का रहेगा और ये वाला बॉन्ड 148 पिकोमीटर का रहेगा. और अगर ऐसे ही हम यहां पर देखें, ये स्ट्रक्चर अगर बनता है ओजोन का तो इधर 148 पिकोमीटर और इधर 121 पिकोमीटर. तो इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमारा मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं. एक बॉन्ड 148 पिकोमीटर का और एक बॉन्ड 121 पिकोमीटर का. अब एक्सपेरिमेंटली जब हमने बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन की इस मॉलिक्यूल की तो हमें यह पता चला कि इस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों बॉन्ड 128 पिकोमीटर के हैं. मतलब दिस वैल्यू इज इंटरमीडिएट बिटवीन 121 एंड 148. तो यह रिजल्ट क्या कह रहा है? यह रिजल्ट कहता है कि ना तो आपका मॉलिक्यूल जो है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, बल्कि बॉन्ड जो है वो कुछ अलग टाइप का है. तो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग विद दीज टू पॉसिबल लेविस स्ट्रक्चर. तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ये टॉपिक जो है ये दिया गया रेजोनेंस. रेजोनेंस में क्या कहा गया? रेजोनेंस में ये बोला गया कि आपका जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है और ना ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, बल्कि ये कोई इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है. ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड ना प्योर डबल बॉन्ड, इंटरमीडिएट बॉन्ड बनेगा और दोनों बॉन्ड एक जैसे बनेंगे. तो इस बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं. डॉटेड लाइन का मतलब ना तो ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड और ना ही ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड. And this process is called hybridization. इस process को बोला जाएगा hybridization. और ये जो structure हमने बनाया जो हमारे experimental results के ऊपर based है, this is resonance hybrid. तो अब यहां से मैं definition लिख देता हूं resonance की. What is resonance? Resonance एक phenomenon है जो ऐसे molecules के अंदर देखा जाता है जो molecules It is found in the molecule where two or more Lewis dot structure
are present, but none of the structure is able to explain the experimental result. So definition mein likhte hain, if a molecule has two or more Lewis dot structure, but none of the structure is able to explain all the properties of molecule and the actual structure is a hybrid of these possible Lewis dot structure. This phenomenon is called resonance. And the hybrid structure is called, the intermediate structure is called resonance hybrid. तो अब हम इसी मॉलिक्यूल को दोबारा यहां पर ड्रॉ करते हैं और इन टर्म्स को हम यहां पर यूज करते हैं. ओजोन का मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर दो लिविस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं. ओजोन का मॉलिक्यूल जो है, जिसके हमने अभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट. दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर था ये, दिस इज स्ट्रक्चर सेकेंड. और एक्चुअल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड. ये जो दो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं, लिविस डॉट स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. इन दोनों स्ट्रक्चर्स को नाम दे रखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यू कैन कॉल देम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और यू कैन कॉल देम कैनोनिकल स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो एक्चुअल मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, इनका इंटरमीडिएट. तो ये मतलब हो गया इस टॉपिक का. अब देखो बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, उसकी एनर्जी इन दोनों ही स्ट्रक्चर से कम होती है. तो यहां पर हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज less than the resonating structure hence it is more stable. तो जब एनर्जी जो है वो कम हो जाती है किसी स्ट्रक्चर की, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वो ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकता है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को. चलिए, अब ये जो मॉलिक्यूल है जिनमें हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं. रूल्स टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सबसे पहला रूल, पोजीशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज. एटम की पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम. सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको शिफ्ट कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन्स सेम. तो आप जो भी लिविस स्ट्रक्चर बना रहे हो
उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप सेम रखेंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव नियरली सेम एनर्जी। जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं इनमें अगर फॉर्मल चार्ज आ जाता है किसी एटम पे, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे आ रहा है, वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोला है हमने, जो पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे उनकी बात हो रही है इस पॉइंट में। तो ये रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिनमें हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। CO2 का हमने स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर जब हम बना रहे थे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन जो एटम्स हैं इनके बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा पहली पॉसिबिलिटी होगी लेविस डॉट स्ट्रक्चर की। अगर ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल हमारा ऐसे एग्जिस्ट अगर करता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है यहां पर वो आनी चाहिए 121 पिकोमीटर दोनों तरफ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने इस चीज को स्टडी किया तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ मिलती है 115 पिकोमीटर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CO2। एक और पॉसिबिलिटी होती है फिर ऐसे ही CO2 के मॉलिक्यूल की अगर हम बनाए तो, ये ऑक्सीजन का एटम अगर अपना एक लोन पेयर इधर शिफ्ट कर ले और इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को आप इस ऑक्सीजन पे भेज दो, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो और यहां पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस केस में भी क्या हो जाता है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और स्ट्रक्चर बन जाता है ये। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी है ऐसे ही, ये ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर ले और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे चला जाए, तो तीसरी पॉसिबिलिटी है ये सी सिंगल बॉन्ड O और यहां पर बन जाए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। सो दीज आर द थ्री पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो इधर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। अब देखो हमने क्या देखा था, फॉर्मल चार्ज जब कैलकुलेट कर रहे थे हम, जो ऑक्सीजन एटम अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो कम बॉन्ड बनाता है उस पर नेगेटिव चार्ज। इधर इसने कम बनाया तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये तीन पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की होती है 110 पिकोमीटर, सी डबल बॉन्ड ओ की होती है 121 पिकोमीटर, लेकिन बॉन्ड लेंथ ना तो इससे मैच कर रही है ना इससे मैच कर रही है, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इनसे डिफरेंट। तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं कि भाई हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना तो ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड है, बल्कि डबल बॉन्ड से क्या है, छोटा है।
और ना ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा है। तो ये बॉन्ड ना तो आप ट्रिपल बॉन्ड दिखा सकते कंप्लीटली, ना डबल बॉन्ड दिखा सकते, बल्कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आएगा इंटरमीडिएट बिटवीन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो दीज आर द थ्री पॉसिबल लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस का टॉपिक जो है वो एक कंप्लीटली थियोरेटिकल टॉपिक है, जो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं उसको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। चलिए एक और मॉलिक्यूल देखते हैं ऐसे ही, जिसमें हम किसी एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है उनको प्रूव नहीं कर सकते। तो अगला मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं CO3 2-। इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों, कैसे बनाया था? तो कुछ इस तरीके का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया था। इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर अगर बनेगा तो मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा। दोनों ऑक्सीजन एटम पे एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपनी वैलेंसी से कम बॉन्ड बना रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हम इधर बना दे तो, और इधर 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो इन सब का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, और इसके अकॉर्डिंग ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, -1 -1, ये सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। फिर ऐसे ही थर्ड पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी, कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन अब इधर दिखा दो, तो इधर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सभी एटम्स का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया दिस इज लाइक दिस, ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो मिला हमें, वो स्ट्रक्चर क्या कहता है कि ये तीनों बॉन्ड जो हैं वो बराबर लेंथ के हैं। तो तीनों बॉन्ड अगर बराबर लेंथ के हैं, इसका मतलब हमारे जो तीन लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा। डॉट लगा दो, डॉट का मतलब तीनों बॉन्ड जो है वो सिमिलर हैं। तो ना तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है, ना ये डबल बॉन्ड है, बल्कि ये इंटरमीडिएट कोई बॉन्ड बना रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 2-। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो देखा गया सल्फेट आयन का बना लो। सल्फेट आयन में भी इसी तरीके से आपको SO4 2-। सल्फर का एटम होता है भाई, सल्फर का एटम क्या करता है यहां पर? दो ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है और दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, -1 -1, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब दूसरा स्ट्रक्चर बना लो, उसमें ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दिखा दो, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये स्ट्रक्चर बनाने की बजाय सीधे पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, ये डबल बॉन्ड हो जाए, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो गई, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है? तीसरा स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं हम, ये सिंगल बॉन्ड हो
और ये सिंगल बॉन्ड हो, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो, इधर डबल बॉन्ड बन जाए, इधर डबल बॉन्ड बन जाए। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड हो और ये सिंगल बॉन्ड हो। तो इस तरीके से आपके पास चार लीविस डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं SO4 2 माइनस के, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाता है दैट इज हैविंग ऑल दी फोर बॉन्ड्स इक्वल। चारों बॉन्ड हमें बराबर मिलते हैं जब हम एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स को देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऑल दी बॉन्ड्स आर इक्वल, none of the bond it can be shown as completely double or none of the bond can be shown as completely single bond. तो ये सभी structures जो हैं they are called resonating structures और इनका resonance hybrid बनेगा ऐसा। तो ये structure जो है वो एक theoretical explanation है experimental results जो हमें मिले उनका, ठीक है। चलिए एक और मॉलिक्यूल जो है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज NO3-1। तो इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया था N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। सभी ऑक्सीजन एटम्स जो है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। नाइट्रोजन पे प्लस वन चार्ज और दो ऑक्सीजन एटम पे माइनस वन चार्ज, तो ये हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ऐसे ही सेकंड पॉसिबिलिटी, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लो तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्चुअल स्ट्रक्चर हम ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिविस। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये डबल बॉन्ड इधर बना दो तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तीन पॉसिबिलिटीज थी आपके पास NO3-1 मतलब नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने की, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स को देखा गया तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है वो हमें क्या मिलते हैं, ऑल द थ्री बॉन्ड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये तीनों ही बॉन्ड जो है ना तो कंप्लीटली डबल है ना ये कंप्लीटली सिंगल है, बल्कि ये कोई इंटरमीडिएट बॉन्ड बना रहे हैं इन दिस रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। चलिए अब देखते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे ही आपके लीविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो डायग्राम आपने बनाए थे वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करते। This is called nitrite ion. Nitrite ion जो है इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाते हैं तो ऐसे बनाया जाता है, दो ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं नाइट्रोजन के साथ इस तरीके से। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां पर नाइट्रोजन इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर। इसके अंदर ये ऑक्सीजन एटम कम बॉन्ड बना रहा है तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ये जो चार इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर दिखाए हैं इनमें से तीन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर नाइट्रोजन का है। अब देखो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ये डबल बॉन्ड हम इधर बना देते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज इसके पास लोन पेयर, ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। तो ये दो हो गए लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हो सकते हैं NO2-1 आयन के। और जब इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो देखा गया तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड हमें देखने को मिलता है ये दोनों ही बॉन्ड्स बराबर हैं। तो इसका मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इन दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों जो हमें थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। एक और स्ट्रक्चर जो है वो हम देख लेते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ बेंजीन।
बेंजीन का मॉलिक्यूल जो है, लेविस ने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया था कि कार्बन एटम्स होते हैं, ये कार्बन आपस में या तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बना सकते हैं और बाकी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, या फिर इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है बेंजीन का। ये स्ट्रक्चर जिन्होंने प्रपोज किया था, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर सोचा था, उन साइंटिस्ट का नाम था कैक्यूल, तो इनको कैक्यूल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर, कार्बन के दो तरह के बॉन्ड्स होने चाहिए, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजिशन पे। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो आना चाहिए था उसमें भी क्या होना चाहिए था, दो तरह के बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, लेकिन हमें जब इनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिलता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऑल दी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दे आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ, सभी की बॉन्ड लेंथ बराबर है, कोई भी बॉन्ड ना तो कंप्लीटली सिंगल है ना कंप्लीटली डबल है, बल्कि वो इंटरमीडिएट वैल्यू शो करता है। तो इस तरीके से हम एक रिंग लगा के बनाते हैं, ऐसे बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को, या फिर यहां पर इस रिंग को आप सॉलिड फॉर्म में भी दिखा सकते हो। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। तो ये स्ट्रक्चर बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट भी आए थे जिनका नाम था दीवार, और इन्होंने भी तीन स्ट्रक्चर्स जो थे वो सोचे थे बेंजीन के, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो भी रेजोनेंस हाइब्रिड जो हमें मिलता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, उसको मैच नहीं करता। तो दीवार स्ट्रक्चर ये बनाए गए थे कि या तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये दोनों कार्बन एटम आपस में इंटरलिंक्ड। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये सोची गई थी कि हो सकता है ये कार्बन कार्बन जो है वो आपस में लिंक्ड हो, तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये सोची गई थी कि हो सकता है ये कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड हो सकता है, और सभी कार्बन के साथ बाकी एक एक हाइड्रोजन हमें अटैच करना ही है। तो ये भी सोचा था, और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है दीवार स्ट्रक्चर, DEWAR, दीवार स्ट्रक्चर। लेकिन जो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मिलते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में एक और कमी थी, ये जो बॉन्ड बना रहे हो बीच वाला, ये बॉन्ड लेंथ में बड़ा होता है, और जो बड़े बॉन्ड होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है कैक्यूल स्ट्रक्चर से कम स्टेबल थे। सो ऑल दीज थ्री आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनको जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनके नाम पे दीवार स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंप्लीटली थियोरिटिकल टॉपिक, जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो पॉसिबल थे किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी आयन के, उनको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जब मैच नहीं हो पाए तो एक नया स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज करता है। ये नया स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट रहता है देन एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो आपको जो है इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहां पर मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी होती है जो तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी, और तुम्हारा जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, या फिर कह लो कि भाई कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा थी रेजोनेंस हाइब्रिड से। तो यहां पर अगर मैं एनर्जी ले रहा हूं इस एक्सिस पे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम है, ठीक है। दिस इज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस
एनर्जी। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो ये हो जाता है हमारा कंसेप्ट अबाउट रेजोनेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक्स।